हेलो ऑल, मैं हूँ डॉक्टर आरती, ए नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कैरिंग यू ऑनलाइन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक नेचुरल फेस एक्सफोलिएटर के बारे में, जो कि जेंटली आपकी डेड स्किन को निकालता है और आपकी स्किन को एकदम ग्लोइंग और स्मूथ बनाता है। यूजुअली अगर हम अपनी स्किन को एक्सफोलिएट नहीं करते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर जो डेड स्किन होती है वह जम जाती है, जो कि आपकी स्किन के पोर्स को तो बंद करती ही है, भी डल बनाती है, आपके कॉम्प्लेक्शन को डल बनाती है, पिंपल्स को कॉज करती है, और साथ ही साथ आपका कई सारी समस्याएं जैसे ब्लेमिशेस या फिर विंकल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन हमेशा स्मूथ दिखे, हमेशा ग्लो करती हुई दिखे, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हफ्ते में कम से कम दो बार अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ज़रूर करें। तो आइए बनाते हैं एक होममेड नेचुरल एक्सफोलिएटर। इसको बनाने के लिए जो मैं मेन इंग्रेडिएंट ले रही हूँ उसमें शामिल है राइस फ्लोर। राइस फ्लोर बहुत ही जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, और इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि यह किसी भी तरह से आपकी स्किन को हार्म नहीं करता। ये बहुत ही जेंटल होता है, हार्श नहीं होता है, इसलिए अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तब भी आप राइस फ्लोर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जो मैं इंग्रेडिएंट ले रही हूँ वो है टर्मरिक। तो जस्ट टेक अ हाफ टी स्पून टर्मरिक। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल ज़रूरी होता है स्किन को नेचुरली नरिश करने के लिए, मॉइस्चराइज करने के लिए, और साथ ही साथ यह भी आपकी स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। आपकी स्किन सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो एलोवेरा जेल की होती है वो यह होती है कि यह बगैर आपकी स्किन को ड्राई किए हुए स्किन को बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट करता है, जो डेड स्किन होती है उसको हटाता है, और साथ ही साथ कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है कर्ड। कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, जो कि एक बहुत अच्छा नेचुरल एक्सफोलिएटर होता है, जो आपकी डेड स्किन होती है उसको हटाने के लिए कर्ड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ कर्ड। अब इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी 1 टीस्पून राइस फ्लोर। अब मैं इसमें मिलाऊंगी 1/2 टीस्पून टर्मरिक। एलोवेरा जेल ऑलमोस्ट 1 टीस्पून है इसलिए मैं सारा ले रही हूँ। लास्ट इंग्रेडिएंट है कर्ड, लगभग 1 चम्मच। सारी चीज़ों को आपस में अच्छी तरह मिला लें और एक अच्छा पेस्ट बना लें। अब इसको 5 मिनट्स के लिए आप बनाने के बाद रख दें जिससे यह अच्छी तरह से सेट हो जाए, और इसके बाद अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर, अपने गर्दन को साफ कर, इस पेस्ट को अपने चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से लगाते हुए जेंटली आपको मसाज करनी है कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए, और इसके बाद फिर अगले 15 मिनट के लिए इसको अपने चेहरे पर ऐसे ही छोड़ दें। जब 15 मिनट बाद यह सूख जाए तो इसको ठंडे पानी से, साफ और ठंडे पानी से धो डालें और अपना रेगुलर मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन इस्तेमाल करें। यह बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है आपकी स्किन के ऊपर जमने वाली डेड स्किन को निकालने के लिए, जिससे कि यह अंदर से कोलेजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, साथ ही साथ नई स्किन को के बनने को बढ़ावा देती है, जिससे आपकी स्किन एकदम स्मूथ, ग्लोइंग, लचीली और विंकल फ्री बनती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, जैसे कि फ्यूचर में मैं जो ब्यूटी टिप्स और हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आप उन्हें मिस ना करें। इसके साथ ही अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड या ब्यूटी रिलेटेड कंसर्न है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।